हम हर हफ्ते आपके लिए हमारे टॉप ट्रेंडिंग स्मार्टफोन सीरीज से एक वीडियो लेके आते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इस वीक कौन से स्मार्टफोन ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और कौन सा स्मार्टफोन नंबर वन पोजीशन में है। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में गिवअवेज चल रहे हैं और फ्यूचर में कई सारे क्वालिटी वीडियोस और गिवअवेज आने वाले हैं। तो आप गिज्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीक जो स्मार्टफोन 10th पोजीशन में है वो है सैमसंग गैलेक्सी A30। सैमसंग गैलेक्सी A30 एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें दिया गया है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी जो 15 वॉट फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। सैमसंग गैलेक्सी A30 चलता है सैमसंग के एक्सिनोस 7904 प्रोसेसर में, जो अप टू 4GB रैम विद अप टू 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है 16MP प्लस 5MP का डुअल रियर कैमरा, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 16MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। गैलेक्सी A30 का जो बेस वेरिएंट अवेलेबल है इंडिया में वो है 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज, और इसकी इंडिया में प्राइस है 15,490 रुपीज। इस वीक जो स्मार्टफोन 9th पोजीशन में है वो है Redmi K20। Redmi K20 एक डाउनग्रेडेड वर्जन है Redmi K20 Pro का, जिसमें दिया गया है 6.3 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी जो 18 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। Redmi K20 चलता है Qualcomm के लेटेस्ट मिड रेंज प्रोसेसर Snapdragon 730 पर, जो आता है अप टू 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें है 48MP का मेन सेंसर, 8MP का टेलीफोटो लेंस और 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 20MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा। Redmi K20 की इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 21,990 रुपीज। इस वीक जो स्मार्टफोन 8th पोजीशन में है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 5G। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 5G में हमें देखने मिलता है 6.3 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 3500 mAh की बैटरी जो 25 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। इंडिया में स्मार्टफोन चलता है एक्सिनोस 9825 प्रोसेसर में, और जो बाकी कंट्रीज है वहाँ पे यह स्मार्टफोन चलता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर में, जो आता है अप टू 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें है 12MP का मेन सेंसर, 12MP का टेलीफोटो लेंस और 16MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 10MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 5G फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल है नहीं, और ये कब तक अवेलेबल होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस वीक जो स्मार्टफोन 7th पोजीशन में है वो है Redmi K20 Pro। Redmi K20 Pro एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसमें दिया गया है 6.39 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी जो 27 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। Redmi K20 Pro चलता है Qualcomm के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 855 पर, और जिसमें हमें देखने मिलता है अप टू 8GB रैम और अप टू 256GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें दिया गया है ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें है 48MP का मेन सेंसर, 8MP का टेलीफोटो लेंस और 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 20MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा। Redmi K20 Pro की इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 27,990 रुपीज। और Redmi K20 Pro की अनबॉक्सिंग भी की है हमने अपने चैनल में, और जिसका गिव अवे भी चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं Redmi K20 Pro स्मार्टफोन। इस वीक जो स्मार्टफोन 6th पोजीशन में है वो है Redmi Note 7S। Redmi Note 7S एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें दिया गया है 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी जो 18 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। Redmi Note 7S चलता है Qualcomm के मिड रेंज प्रोसेसर Snapdragon 660 प्रोसेसर पर, जो अप टू 6GB रैम अप टू 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है डुअल रियर कैमरा, जिसमें है 48MP का मेन सेंसर और 5MP का डेप्थ सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 13MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। Redmi Note 7S का जो बेस वेरिएंट है 3GB रैम विद 32GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी इंडिया में प्राइस है 10,999 रुपीज। इस वीक जो स्मार्टफोन 5th पोजीशन में है वो है सैमसंग गैलेक्सी A70। सैमसंग गैलेक्सी A70 एक हायर मिड रेंज स्मार्टफोन है, जिसमें दिया गया है 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4500 mAh की बैटरी जो 25 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। सैमसंग गैलेक्सी A70 चलता है Qualcomm के मिड रेंज प्रोसेसर Snapdragon 675 पर, जो अप टू 8GB रैम और अप टू 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें है 32MP का मेन सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 5MP का डेप्थ सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 32MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। सैमसंग गैलेक्सी A70 फिलहाल तो इंडिया में अवेलेबल है सिर्फ एक ही वेरिएंट में, जो है 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जिसकी कीमत है इंडिया में 28,990 रुपीज।
इस वीक जो स्मार्टफोन फोर्थ पोजीशन में है वो है सैमसंग गैलेक्सी A50। सैमसंग गैलेक्सी A50 एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जिसमें दिया गया है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी जो 15 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। सैमसंग गैलेक्सी A50 चलता है सैमसंग के एक्सिनोस 9610 प्रोसेसर में जो अप टू 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें है 25 MP का मेन सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 5 MP का डेप्थ सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 25 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। सैमसंग गैलेक्सी A50 इंडिया में आता है दो वेरिएंट में, 4GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज और 6GB रैम विद 64GB इंटरनल स्टोरेज, और जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है इंडिया में वो है 18,490 रुपीज। इस वीक जो स्मार्टफोन थर्ड पोजीशन में है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G में दिया गया है 6.8 इंच फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, 4300 mAh की बैटरी जो 45 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। इंडियन मार्केट में यह स्मार्टफोन चलता है एक्सिनोस 9825 प्रोसेसर पर और बाकी कंट्रीज में यह स्मार्टफोन चलता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर पर। यह स्मार्टफोन आता है अप टू 12GB रैम और अप टू 512GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है क्वाड रियर कैमरा सेटअप जिसमें है 12 MP का मेन सेंसर, 12 MP का टेलीफोटो लेंस, 16 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और एक TOF 3D सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 10 MP का सेल्फी कैमरा। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G तो इंडिया में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कब तक अवेलेबल होगा इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है अब तक सैमसंग की तरफ से। इस वीक जो स्मार्टफोन सेकंड पोजीशन में है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस 5G वेरिएंट दोनों ही सेम है, सिर्फ हमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस में 5G का सपोर्ट नहीं देखने मिलता है। और सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की स्टार्टिंग प्राइस है इंडिया में 79,999 रुपीज़। इस वीक जो स्मार्टफोन फर्स्ट पोजीशन में है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 में देखने मिलता है 6.3 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 3500 mAh की बैटरी जो 25 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। इंडिया में स्मार्टफोन चलता है एक्सिनोस 9825 प्रोसेसर में और जो बाकी कंट्रीज है वहाँ पे यह स्मार्टफोन चलता है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर में जो आता है अप टू 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कैमरा डिपार्टमेंट में इसमें दिया गया है ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें है 12 MP का मेन सेंसर, 12 MP का फोटो लेंस और 16 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, और सेल्फी के लिए इसमें दिया गया है 10 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस है 69,999 रुपीज। तो यही थे इस वीक के टॉप ट्रेंडिंग स्मार्टफोन्स। आपको इन स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा पसंद आया नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें गिज़्मो इंडिया यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।